Welcome to Hungry Spoon. Subscribe to our channel for new recipes and click the bell icon for notification and don't miss a single update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू हंग्री स्पून चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और खुश होंगे। आने वाले त्यौहार के साथ गर्मियों की आहट और इस गर्मी का वेलकम क्यों ना हम कुछ खास डिज़र्ट से करें, जो कि ठंडा ठंडा डिज़र्ट और त्यौहारों के साथ आने वाले अपने मेहमानों का मन खुश कर जाए। जी हाँ, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय से और बहुत ही कम सामान से ये डिज़र्ट हम तैयार करेंगे और ठंडा ठंडा डिज़र्ट ये अपने आने वाले मेहमानों को सर्व करके आप उनका दिल जरूर जीतें। तो आइए, इस ठंडे ठंडे डिज़र्ट को बनाने के लिए हमें किन किन सामानों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए फटाफट देख लेते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू अपडेट्स मिलती रहे। मलाई ब्रेड डिजर्ट बनाने के लिए दो तरह का हमें कस्टर्ड तैयार करना है। दो तरह के कस्टर्ड तैयार करने के लिए सबसे पहले व्हाइट कस्टर्ड हमें तैयार करना है। तो व्हाइट कस्टर्ड के लिए हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, वनीला एसेंस 1 ड्रॉप जाएगा, 4 बड़ी चम्मच हमने शक्कर पीसी हुई ली है, ये घर की ही पीसी हुई शक्कर है और इसको टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना कम और ज्यादा कर सकते हैं। इसके साथ मिल्क पाउडर जाएगा, ये ऑप्शनल है, अगर नहीं डालेंगे तब भी व्हाइट कस्टर्ड आपका बहुत ही अच्छा बनेगा। हमने यहाँ पे 2 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है, इसके साथ 1 गिलास दूध जाएगा। इसी तरह से येलो कस्टर्ड हमें तैयार करना है दूसरे कलर में। तो हमने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर लिया है, 2 बड़े चम्मच वनीला फ्लेवर में है, आपको जो भी फ्लेवर पसंद है आप वो ले सकते हैं। 4 बड़ा चम्मच पिसी हुई हमने शक्कर लिया है, इसके साथ बटर, दोनों में ही बटर 1/2 चम्मच जाएगा और इसके साथ ब्रेड की स्लाइस जाएगी। तो आइए इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। हमें एक पैन ले लेना है, अभी हमने गैस को ऑन नहीं किया है। गैस को ऑन करने से पहले हमें इसमें दूध डाल लेना है, दूध के साथ हमें ये कॉर्नफ्लोर डाल लेना है और कॉर्नफ्लोर के साथ ये शक्कर डाल देंगे और इसमें ये मिल्क पाउडर डाल देंगे और इन सभी को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। गैस ऑन नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है, पहले सारी चीजों को हमें मिक्स कर लेना है। ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है, अब गैस का फ्लेम हमें ऑन कर लेना है और मीडियम फ्लेम पे हमें इसको पका लेना है। अचानक कोई आ जाए, और आपके पास अक्सर घर में ब्रेड बराबर रहती है बच्चों की वजह से, तो ब्रेड मलाई डिजर्ट खाने में भी बहुत अच्छा लगता है और कम समय में फटाफट ये तैयार हो जाता है। अभी इसमें हमने बटर नहीं डाला है, जब हमारा ये कस्टर्ड बनकर तैयार हो जाएगा लास्ट में हम इसमें 1/2 चम्मच बटर डालेंगे, एक अच्छी सी शाइन आएगी। अब इस स्टेज में हमें इसमें थोड़ा सा मक्खन डाल देना है। हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच मक्खन लिया है, बटर को डाला है। आप चाहे अगर बटर नहीं है तो आप देसी घी भी ले सकते हैं, अगर देसी घी नहीं है तो आप इसमें रिफाइंड ऑयल 1 चम्मच डाल सकते हैं। यानी कि काफ़ी अच्छे से ये हमारा ठीक हो गया है, थोड़ा सा और हमें ठीक करना है इसको। मिठास हमने 4 चम्मच का रखा है क्योंकि 2 तरह का हम कस्टर्ड तैयार करेंगे तो दोनों में ही 4-4 चम्मच जा रहा है। बाकी आप इसको दोनों, जब भी आप इस रेसिपी को बनाएं तो ध्यान में रखें क्योंकि दोनों ही कस्टर्ड में शक्कर रहेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब ये हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया है वाइट, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, इसमें 1 ड्रॉप वनीला एसेंस डालेंगे। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इसकी जगह गुलाब का अर्क भी डाल सकते हैं या फिर इलायची पाउडर डाल सकते हैं, जो भी आपको फ्लेवर पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये हमारा व्हाइट कस्टर्ड तैयार हो गया है। येलो कस्टर्ड बनाने के लिए इसी पैन में हम 1 गिलास दूध डाल देंगे और इसके साथ कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे, पिसी हुई शक्कर डाल देंगे इसमें और इन सभी को हमें मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है, अब गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे हमें इसको भी तैयार कर लेना है। 2 से 3 मिनट में ये हमारा कस्टर्ड भी तैयार हो जाएगा। त्यौहार आ रहे हैं, आप त्यौहार पे चाहे मीठों में ये इसको भी सर्व कर सकते हैं और फिर गर्मियाँ आ रही हैं, थोड़ा सा ठंडा ठंडा चिल्ड कोई भी डिज़र्ट सभी पसंद करते हैं, आप इसको बना करके रख लें। और ये हमारा कस्टर्ड तैयार हो रहा है। अब इसी स्टेज में हमें इसमें भी बटर शामिल कर देना है और थोड़ा सा इसमें हम दूध और डालेंगे क्योंकि इतना हमें कस्टर्ड गाढ़ा नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। जितनी थिकनेस हमने वाइट वाले सॉस की रखी है उतनी ही हमें इसकी भी रखनी है।
तो 3 से 4 चम्मच हमने इसमें दूध और मिला दिया है बटर के साथ। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा येलो कस्टर्ड बनकर तैयार हो गया है दो तरह के। अब डिजर्ट बनाने के लिए हमें ब्रेड की स्लाइस की कॉर्नर को निकाल लेना है। इसको हम छोड़ देंगे। ये देखिए काफी अच्छा हमारा ये येलो कस्टर्ड बनकर तैयार हो गया है। दो तरह के कस्टर्ड तैयार हो गए हैं। ब्रेड की स्लाइस को हमें निकाल लेना है। ब्रेड की स्लाइस को हमने निकाल दिया है। अब जिस भी कंटेनर में आपको इस रेसिपी को सर्व करना है या फिर आप उनको बनाना है वो कंटेनर ले लें। और कंटेनर में सबसे पहले हमें ये ब्रेड की स्लाइस को इस तरह से रख लेनी है। इस तरह से ब्रेड की स्लाइस को रखेंगे। ब्रेड की स्लाइस को रखने के बाद हमें इसमें सबसे पहले हमें ये व्हाइट वाला जो सॉस बना के हमने रखा है व्हाइट कस्टर्ड डालेंगे। और एक बार फिर इस पे हमें ब्रेड की स्लाइस को एक लेयर और डालनी है इस तरह से और व्हाइट कस्टर्ड डालना है। थोड़ा सा कस्टर्ड हम रोक लेंगे इसमें। अगर आपके पास फूड कलर है तो इसमें फूड कलर डाल करके गार्निशिंग में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ भी 1 चम्मच हम रोकेंगे और इसमें मेरे पास फूड कलर है तो फूड कलर डालेंगे इसमें। इस तरह से व्हाइट कस्टर्ड की लेयर हमने ब्रेड पे लगा दी है। इसमें आप चाहें तो आप इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि मेरे बच्चों को ये मलाई ब्रेड डिजर्ट में ड्राई फ्रूट नहीं अच्छा लगता है तो हम यहाँ ये नहीं डालेंगे। अब ये दूसरी लेयर हमें जो येलो हमने बना के रखा है कस्टर्ड उसकी लगाएंगे। व्हाइट कस्टर्ड में हमें ये ऑरेंज कलर डाल लिया है। अब इसे हमें गार्निश करना है। इस तरह से ये हमारा मलाई ब्रेड डिजर्ट बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हमें फ्रीजर में 1 घंटे के लिए रख देना है ताकि अच्छे से चिल्ड हो जाए। जब आप इसको सर्व करें तो खाने में काफी मजा आए। तो 1 घंटे के बाद हम आपसे मिलते हैं। बहुत ही कम सामानों से ये हमारा ठंडा ठंडा डेजर्ट बनकर तैयार हो गया है। इसे आप फ्रीजर में 1 से 1.5 घंटे के लिए ज़रूर रखें और काफ़ी चिल्ड इसको सर्व करेंगे तो इसका खाने का मज़ा दुगना हो जाएगा। तो क्यों ना इस त्यौहार पे अपने मेहमानों को ये मलाई डेजर्ट ब्रेड मलाई डिज़र्ट बनाकर ज़रूर खिलाएँ। और हमारा आपको मलाई डिज़र्ट की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएँ। और अपना प्यार इसी तरह से हमारे हंग्री स्पून चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देते रहें और अपने परिवार और दोस्तों में शेयर करें लाइक करें। और अगर हमारे आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें साथ में मेरी प्यारी प्यारी बेटियों का बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू। Thanks for watching. Stay tuned with Hungry Spoon.